हेलो, मेरा नाम विनोद कुमार कोहली है। मेरा सन 1992 में पीठ में ट्यूमर हुआ था स्पाइनल कॉर्ड में, जिसके कारण मेरे पांव पैरालाइज हो गए थाई के नीचे से, और मेरा ब्लैडर जो है यूरिन ब्लैडर न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो गया। 2003 में मेरा किडनी का प्रॉब्लम आ गया था, तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन पर रखा था फिर रेगुलर मेडिसिन पर रहने के लिए। फिर 2012 में मेरे को 2012 में फिर से किडनी का प्रॉब्लम आ गया था, बॉडी में स्वेलिंग आ गया था मेरे, और डॉक्टर ने मुझे डायलिसिस करने के लिए कहा। 2014 में डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हारा जो डायलिसिस है वो थ्राइस अ वीक करना पड़ेगा, और फिर रेगुलर डायलिसिस होता था मेरा, तो मैं डायलिसिस से काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्थ लाइफ स्पॉइल हो गई थी और बॉडी पूरा ख़राब हो गया था। मुझे वॉमिटिंग आता था, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आता था और कंटिन्यू सो और हर एवरी डे मुझे नीडल फिस्टुला का नीडल पे सहना पड़ता था। तो फाइनली मैं डॉक्टर से मैंने काफ़ी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला कि सर मैं ट्रांसप्लांट करना है, तो काफ़ी डॉक्टरों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो ब्लैडर है वो न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, जिसके कारण तुम्हारा ट्रांसप्लांट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो हमें किसी ने बताया कि आप ऐसा कीजिए, फोर्टीज में डॉक्टर प्रियदर्शन रंजन साहब हैं, उनसे मिली। तो हम उनके पास गए, तो उन्होंने जब हमने उनको देखा और हम उन्होंने हमारी बात को सुनी, प्रॉब्लम को सुनी और हमें देखा और अच्छे गाइड किया हमें। उन्होंने पूरा मेरा देखा, प्रॉब्लम देखा, उन्होंने बताया कि इस तरह से तुम्हारा किडनी ख़राब हुआ था ब्लैडर की वजह से। सो उन्होंने कहा कि विनोद तुम्हारा जो ये किडनी का ट्रांसप्लांट है वो मैं कर दूंगा, मतलब सक्सेसफुल अच्छा कर दूंगा। सो हमने उन्हीं से करवाया ट्रांसप्लांट। आज मेरा लड़का सबसे पहले से बहुत अच्छा खुश है, हम भी खुश हैं, और अभी मेरे लड़के का मतलब सेहत ठीक है, पहले से बहुत ही ज़्यादा ठीक है। पहले वो खाना भी नहीं खाता था, अब वो खाना भी खा रहा है और पानी वगैरह पी रहा है। डायलिसिस करते करते परेशान हो गए थे हम, तो अभी वो ठीक है। पहले डायलिसिस जब मेरा होता था तो दैट टाइम मैं चल नहीं, कहीं बाहर नहीं घूम पाता था, खाना नहीं खा पाता, पानी प्रॉपर नहीं पीता। पानी का एक लिमिट दिया था कि 400 ml तुमने पानी पीना है एवरी डे, तो वो पानी मतलब पानी भी नहीं पी पाता था, और डायलिसिस करवाता था मैं हफ्ते में 3 बार, और कहीं जा भी नहीं पाता था, पूरा मतलब हर एक दिन छोड़ के डायलिसिस होता था मेरा। और अब ट्रांसप्लांट के बाद मैं फाइनली कहीं जा पा रहा हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल से मिल पा रहा हूँ। लोग मुझे घबराते थे कि ऑपरेशन के टाइम पर ऐसा होता है या वैसे होता है, कोई कुछ नहीं होता है, दर्द तक महसूस नहीं होता। मुझे पता लगा ही नहीं कि मैंने किडनी दे दी शरीर की या मेरे शरीर से कोई पार्ट चले गया है। मैं अभी भी ठीक हूँ और जब मेरा लड़का भी अभी ठीक है, और मुझे कोई ऐसा दर्द कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, और अपना घर का हर काम कर रहा हूँ मैं। तो आई एम सो हैप्पी कि डॉक्टर प्रियदर्शन रंजन ने मेरा ट्रांसप्लांट किया, और टू बी ऑनेस्ट विद यू ही इज़ अ हीरो फॉर मी, और उनकी सभी टीम को, सरबजीत सिस्टर को, किरण सिस्टर को, और डॉक्टर वरुण जी को, डॉक्टर नितिन को, और डॉक्टर विक्रांत जी को, जिन्होंने मेरा सारा ट्रांसप्लांट का देखा। अंग दान किडनी हुआ और कोई भी चीज़ देने से घबराना नहीं चाहिए, ना ही दर्द का महसूस भी नहीं होता। डॉक्टर साहब लोग पता नहीं क्या दवाई है ऐसी, क्या सिस्टम से जो है बच्चों एक दूसरे की ज़िंदगी को बचाते हैं। मैं डॉक्टर साहब का बड़ा आभारी हूँ। सर मेरा आज लड़का हमसे हमारे बीच में है, तो डॉक्टर प्रियदर्शन साहब की वजह से बच गया, कुछ नहीं करते। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle.